नमस्कार, असीम आर्या वर्क में आपका स्वागत है। मेरा नाम है गौरव और इस कुछ चंद दिनों में जो हमने घटनाएं देखी है, खासकर जो हिंदुओं पे जो उनकी झांकियां निकलती है, उन पर पथराव का जो सिलसिला देखा है, वो बस एक वन ऑफ इंसिडेंट नहीं है, बल्कि हम भारत में कई राज्यों में इस तरह के बिहेवियर को देख रहे हैं। यहाँ पर एक विशेष समुदाय के लोग जो है वो इन झांकियों पर हिंदुओं के महोत्सव पे पथराव करते हुए देख रहे हैं, तो ये क्या इसमें एक वन ऑफ इंसिडेंस है या फिर ये मेंटालिटी क्या है यहाँ पे, इसके बारे में हम आगे देखेंगे। आगे बढ़ने से पहले चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और साथ में बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर दें, ताकि जब भी मैं कोई नया वीडियो अपलोड करूँ आपको नोटिफिकेशन मिलती रहे। तो सबसे पहले मैं आपको एक आर्टिकल दिखाना चाहूँगा, ये एग्जाम्पल के तौर पर, ये ऑप इंडिया के तरफ से ये आर्टिकल है, एक ओपिनियन है। एज मुस्लिम मॉब्स अटैक हिंदूज, द वायर जिहाद अपोलॉजिस्ट सेम्स विक्टिम्स आस्क हिंदूज टू बिहेव लाइक वर्चुअस मुस्लिम्स आफ्टर द 9/11 टेरर अटैक। तो अरफा खानूम जो है वो एक द वायर है, एक इंटरनेट वेब पोर्टल, उनके जर्नलिस्ट हैं, वहाँ पे वो काम करती हैं, और उनके तरफ से ये जो बात कही गई है उसका असल जो स्टेटमेंट वो ये है, फॉर द हिंदू कम्युनिटी इन इंडिया इट इज़ अ 9/11 मोमेंट, द वे ग्लोबल मुस्लिम कम्युनिटी कंडेम द वायलेंस इन द नेम ऑफ देयर रिलीजन, इट इज़ टाइम फॉर हिंदूज टू एक्टिवली डिसोसिएट देमसेल्फ फ्रॉम एंटी मुस्लिम वायलेंस एंड डिस्क्रिमिनेशन बीइंग कैरिड आउट इन देयर नेम। तो आप ये देख सकते हैं कि कितनी ज़्यादा इन्होंने बातें ट्विस्ट करके ये रखी है कि पथराव कोई भी करे, लेकिन जो ब्लेम है वो हिंदुओं पे डाल दिया इन्होंने। अब इसका जो कारण है वो इनके तरफ से ये है, रैशनैलिटी जो दी जाती, जस्टिफिकेशन जो दिया जाता है कि हिंदू जो है वो अपनी झलकियाँ, अपनी झांकियाँ उन इलाकों से ले जाते हैं जो मुस्लिम बहुल इलाका है, उनके मस्जिदों के सामने से ये जो झांकियाँ वो निकलती है, गाने बजते हैं और ये सारा कुछ, ये जस्टिफिकेशन दी जाती है कि इसके कारण पथराव होते हैं। क्या ये जस्टिफिकेशन सही है? अगर ये आप मानते हैं कि जस्टिफिकेशन होती है कि प्रोवोकेशन जो है वो हिंदू करते हैं, इंसाइटमेंट जो है वो हिंदुओं की तरफ से होती है, तो फिर अगर आप इस पहलू पे देखें तो दूसरा पहलू ये है कि जब 5 टाइम अगर दिन में नमाज हो पढ़ी जाती है या फिर अजान जो दी जाती है वो लाउड स्पीकर पर चिल्ला के, उसमें ये ज़रूरी नहीं कि वो बस मुस्लिम बहुल इलाकों में ही हो, वो कई नॉन मुस्लिम इलाकों में भी ऐसा किया जाता है, तो वो क्या मेरिट करता है कि उस पर पत्थरबाजी हो, उस पर इस तरह की वायलेंस हो? क्या मेरिट करता है कि जब मुस्लिम्स जो है वो पूरा पूरा एक सड़क बंद करके वहाँ पे नमाज पढ़ते हैं, या फिर प्लेटफॉर्म पे, रेलवे प्लेटफॉर्म पे, या फिर प्राइवेट जगहों पे इस तरह के, या कई बहुत जगह एक इलीगल दरगाह वहाँ पर बना दी जाती है, क्या वो जस्टिफाई करता है कि उन पे वायलेंस हो? आप लीगल तरीके से जो भी करना है वो करते हैं, लेकिन यहाँ पे ये अरफा खानूम तरह के लोग ये डिमांड करते हैं कि हिंदुओं को माफ़ी मांगनी चाहिए, हिंदुओं को क्षमा मांगनी चाहिए। और इसका जो ये है मेंटालिटी, वो इसीलिए है कि यहाँ पे लोगों को ये लगने लगा है या लग रहा है पहले से कि हिंदुओं को दब के रहना चाहिए, हिंदुओं को पैरों के नीचे रहना चाहिए, या फिर हिंदुओं को ख़त्म हो जाना चाहिए, क्योंकि हिंदू सभ्यता जो है वो दुनिया में सबसे पुरानी सभ्यताओं में कुछ जो सभ्यताएं बची है उनमें से एक हिंदू सभ्यता है। उसमें फिर आपका जो और कंटिन्यूसली लिविंग जो है हमारी सिविलाइजेशन, इसीलिए जो दूसरे लोग हैं जो हमारे खिलाफ़ काम करते हैं उनको ये लगता है कि हमें अब बिल्कुल ही ख़त्म कर देना चाहिए। और मैं ये एक कम्युनिटी की बात नहीं कर रहा, ये जो है मेंटालिटी वो जो वेस्टर्न वैल्यूज़ के जो लोग हैं, जो वेस्टर्न सभ्यता, वेस्टर्न सिविलाइजेशन की जो वैल्यूज़ अडॉप्ट करते हैं लोग, वो उनको उनके हिसाब से भी हिंदुओं को ख़त्म हो जाना चाहिए, क्योंकि हमारी जो इतनी भी ट्रेडिशंस है, कल्चर है, रिचुअल्स है, वो पुराने ज़माने की है, हमें मॉडर्न होना चाहिए, हमें प्रोग्रेसिव होना चाहिए, इसलिए हमें ये ख़त्म कर देना चाहिए हिंदुओं की जो आइडेंटिटी है। दूसरा, अब्राहमिक जो मजहबे हैं, अब्राहम के जो फॉलोअर्स हैं जिनमें क्रिश्चियनिटी आती है, इस्लाम आता है, इनमें भी ये बताया गया है कि आपको
क्योंकि हम हिंदू जो हैं वो पॉलीथिस्ट हैं, हमें हमारे पास बहुत सारे भगवानों को, कोई जो भी भगवानों को जिस रूप में देखता है उस तरह पूजता है, या फिर हमारे एक खास किताब नहीं है जिसके ऊपर हम सारे फॉलो करते हैं, उस तरह की बात नहीं, मोनोथिस्टिक जो है वो हमारा बिहेवियर नहीं है। तो इसीलिए जो अब्राहम के जो फॉलोअर्स हैं उनके लिए भी ये बात है कि हिंदुओं को ख़त्म हो जाना चाहिए, हिंदुओं को मतलब क्योंकि वो फॉल्स गॉड को वर्शिप करते हैं, उनके जो भगवान है यानी हमारे जो भगवान हैं वो फॉल्स हैं, और इसीलिए जब तक सब कन्वर्ट ना हो जाए उनके मुताबिक तब तक यहाँ पे मतलब जो है कोई स्वर्ग नहीं जा सकता। तो ये भी है, और जो है इसके साथ में आप देख सकते हैं कि ये स्टोन पेल्टिंग तो एक सड़क पे जो एक वायलेंस है वो देखने को मिलता है, लेकिन सिस्टमेटिकल जो सप्रेशन है हिंदुओं का वो भी हमने होते हुए देखा है, और ये काफ़ी दिनों से होता आ रहा है। ब्रिटिश मुगल की बात तो छोड़ दें, वो बाहर से आए थे, हमारे जो 1947 के बाद से भी जो सरकारें बनी हैं वो भी वही जो पुराना ब्रिटिश या मुगल या इस तरह के जो भी बाहर से इन्वेडर्स आए थे उनके वैल्यूज़ को ही कंटिन्यू रखा है, जिसमें ये बताया गया था कि भारत के जो लोग थे वो बिल्कुल ही जंगली थे, सैवेजेस थे, उनको सिविलाइज करने के लिए आर्यंस आए थे यूरोप से, वाइट आर्यंस केम इनटू इंडिया फ्रॉम यूरोप एंड सिविलाइज इंडियन सब कॉन्टिनेंट। तो वो आर्यन इन्वेजन थ्योरी वहाँ पे उसकी नींव रखी गई। दूसरा ये बताया जाता है कि मुग़ल जो आए थे वो कल्चर लेके आए, वो यहाँ पे उर्दू की जबान लेके आए और साथ में खाना लेके आए, खानों की वैरायटी लेके आए। तीसरा जो कहा जाता है ब्रिटिश के बारे में, ये क्योंकि इनकी जो मतलब रूलिंग एरा है ये सबसे लंबी है, उसमें ये इसीलिए इनकी प्रोमिनेंस ज़्यादा दिखाई जाती है। उसमें ये बताया जाता है कि ब्रिटिश यहाँ पे एडुकेशन लेके आए, यहाँ टेक्नोलॉजी लेके आए और गवर्नेंस सिस्टम जो है यानी पार्लियामेंट्री सिस्टम वो लेके आए, जुडिशरी भी जो है वो भी यूरोप से आई। तो ये आप देख सकते हैं कि किस तरह से हमें ये बताया गया कि आप लोग पूरी तरह से एक सेवेजेस कम्युनिटी हैं जिसको सिविलाइज करने के लिए बाहर से लोग आते हैं, इसीलिए आपको हमेशा दब के रहना चाहिए, आपको हमेशा झुक के रहना चाहिए। अगर आप अपने बारे में कुछ भी बात करते हैं, अपने उसके अधिकारों की बात करते हैं, तो आप कम्युनल कहलाएंगे, आप सांप्रदायिक कहलाएंगे, आप हेटर कहलाएंगे। और इसीलिए जब कश्मीरी फिल्म रिलीज हुई थी तो उसमें ये बताया गया था कि ये तो फिल्म हेट फैलाने यानी नफ़रत फैलाने के लिए ही बनाई गई है, ये प्रोपेगेंडा फिल्म थी, जबकि उसमें जो भी इंसिडेंट्स बताए गए थे वो सच्चाई थी, बिल्कुल 100% सच्चाई थी, जिसमें ये भी बताया गया था कि पूरी डॉक्यूमेंटेशन अवेलेबल है उस सब चीज़ों को। ये बात इसीलिए इसको प्रोपेगेंडा कहा जाता है कि हमें ये बताया जाता है कि इस तरह की जो चीज़ें हैं आपको भूल जानी चाहिए, क्योंकि इसमें मुस्लिम का जो नाम है वो ख़राब होता है, इसलिए इसको भूल जानी चाहिए। यही बात पूरे भारत में इस तरह के इंसिडेंट्स जो होते हैं जो हिंदुओं के खिलाफ होते हैं उसको हम बिल्कुल ही दबा के रख देते हैं। कम्युनिस्ट की जो सरकार होती है वेस्ट बंगाल में हुई थी, उसमें कई हिंदुओं पे अत्याचार हुए थे, वहाँ पे भी इस तरह के मैस्कर हुए थे, उस सब को भुला दिया गया। केरला में हो रहा है उसको भुला दिया जाता है, यहाँ तक कि यूपी में हुआ उस सब को भुला दिया जाता है, लेकिन जब हिंदुओं की तरफ से कहीं भी रिटेलिएशन होता है, सेल्फ डिफेंस के लिए बात होती है, तो उसमें फिर उसको बार बार रिमाइंड किया जाता है कि आप कितने बड़े दंगई हैं, आप कितने बड़े सांप्रदायिक हैं। गुजरात दंगों की जो सबसे बात होती है वो गुजरात दंगों की ही होती है, उसमें भी जो प्रिकर्सर था गुजरात दंगों का वो गोधरा कांड था, उसको भी ये बता दिया गया कि जो गोधरा कांड हुआ था वो असल में कांड नहीं था, एक्सीडेंट था, जैसे कि लालू प्रसाद यादव ने कहा था एक समय। लेकिन बात यह थी कि उस पूरे दो बोगियों को बंद कर दिया गया था, बाहर से कोई बाहर ना आ सके, और पेट्रोल या इस तरह के जो पदार्थ हैं उनको अंदर डाल के आग लगा दी गई थी, और उसमें 59 लोग मरे थे जिसमें बच्चे भी थे, उसमें महिलाएं भी थी।
लेकिन उसको भी कवर कर दिया गया और सारा का सारा ब्लेम हिंदुओं हिंदुओं पर डाल दिया गया था कि गुजरात में उन्होंने मुस्लिमों को मारा था, जबकि गुजरात में दोनों तरफ से बहुत सारे अटैक्स हुए थे और उसमें हिंदुओं की जानें भी काफ़ी ज़्यादा गई थी। तो ये आप देख सकते हैं कि किस तरह से नैरेटिव चेंज कर दिया जाता है। चर्च अटैक बहुत बड़ा एक इशू बना था 2015 के आसपास, उसमें भी सारा ब्लेम आरएसएस या हिंदू संगठनों पे डाल दिया गया था, जबकि ऐसी बात नहीं थी। और जो भी इन्वेस्टिगेशन हुआ था उसमें ये बात बताई गई थी कि उसके जो एक्स एम्प्लॉय थे चर्च के या कोई कहीं पे कोई और था, इस तरह के इंसिडेंट हुए कि कोई ऑर्गेनाइज्ड हिंदू की तरफ से अटैक नहीं हुआ था, लेकिन वो नैरेटिव चलता रहा, अभी भी चल रहा है। चर्च अटैक अभी भी कहा जाता है कि बहुत मतलब हिंदुओं की तरफ से एक साजिश हुई थी क्रिश्चनों के खिलाफ। यही बात फिर आप देख सकते हैं कि मुंबई में भी अगर 26/11 की जो बात करें उसमें भी जो दिग्विजय सिंह है जो कभी मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री हुआ करते थे, उनके तरफ से ये बात एक कॉन्फ्रेंस में कह दी गई कि ये तो आरएसएस की साजिश है। एक बुक रिलीज की थी, एक किताब रिलीज की थी जिसका नाम था आरएसएस की साजिश, और उसको उन्होंने इंडोर्स किया था और उसमें कसाब को कहा गया था कि वो तो हिंदू था। तो आप देख सकते हैं किस तरह से ट्विस्ट करके सब कुछ ये करके हिंदुओं पर ही थोपा जाता है और हिंदुओं को ही कहा जाता है कि आप हमेशा से झुके रहें, या तो आप भाग जाएं या ख़त्म हो जाएं, जो कि कश्मीरी हिंदुओं को ये दिया गया था ऑप्शंस। मंदिरों को भी देख ले, मंदिरों पे सरकारी कब्जा है, उनके खजाने लूटे जाते हैं, कोई ये देख करने वाला नहीं, कोई देखने वाला नहीं। कोर्ट्स में जो मंदिरों हैं उनकी जितने भी कल्चर या रिचुअल्स होते हैं उसको चेंज करने की कोशिश की जाती है। ऐसा दूसरे रिलीजन्स के जो भी पूजा के जो भी ये हैं उनमें इंस्टीट्यूशंस हैं उनमें ये फोर्स नहीं किया जाता, लेकिन हिंदुओं के उसमें फोर्स किया जाता है। इवन कि जो मंदिरों को तोड़ के जो मस्जिदें बनाई गई अगर उस पर केस किया जाए तो उसमें कोर्ट कहती हैं कि ये तो पुराना मामला है, अगर इसको अब करेंगे तो इस पर कम्युनिटी की जो सेकुलरिज्म का जो थ्रेड है वो खतरे में आ जाएगा। तो यही अगर हिंदू अपने अधिकारों की बात करें तो सेकुलरिज्म जो है वो खतरे में आ जाता है, वो इस्लाम खतरे में आ जाता है, क्रिश्चियनिटी खतरे में आ जाती है, मुस्लिम खतरे में आ जाते हैं, लेकिन आपको अपनी बात नहीं करनी है। हिंदू अगर खतरे में हो तो कोई प्रॉब्लम नहीं, आपको आपका तो यही है, जीना ही यही है कि आप सेकेंड क्लास सिटीजन हैं, आपको इसी तरह रहना है। लेकिन इसीलिए मैं कहता हूँ कि ये अस वर्सेस देम है, आप चाहे कितना भी समझने की कोशिश करें कि हम सब एक साथ रह सकते हैं, अगर हम सब एक साथ रह जाते तो इतने सदियों से जब हम एक साथ रहे थे तब 1947 में पार्टीशन की बात क्यों हुई थी, पार्टीशन क्यों हुआ था ये देखने वाली बात है। और जो यहाँ पे रह गए थे मुस्लिम, उनके उसमें ये बात नहीं थी कि उनको देश से बहुत प्यार था इसीलिए वो वापस रह गए थे। अगर आप देखें कि हमारे फर्स्ट एजुकेशन मिनिस्टर जो है मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद, उनके तरफ से ये उनकी व्यू थी एक्सप्रेस, उन्होंने एक्सप्रेस किया था कि जो भारत में रहकर ही भारत को इस्लामिक स्टेट बना दिया जाए, इसलिए पार्टीशन की ज़रूरत नहीं। तो वो सोच जो है वो उनके अभी भी है, गजवा हिंद का नाम आप बार बार सुनते होंगे, ये सारी सोच जो है वो पाकिस्तान में ही नहीं पाई जाती, वो भारत में भी पाई जाती है। तो इसी लिए कई अटैक्स जो हैं वो अभी के जो अटैक्स हुए वो पहली बार नहीं है, ऐसा दशकों से चला आ रहा है, ऐसा सदियों से चला आ रहा है। अब बहुत सारे हिस्ट्री के अगर किताब पढ़ें, हिस्ट्री की जो डॉक्यूमेंटेशन में ये लिखा हुआ है कि किस तरह से कई जगहों पे इसी तरह के हमले होते थे हिंदुओं के, जो झलकी है झांकियाँ उनके ऊपर। तो ये हर तरफ से आपको दबाने की कोशिश की जा रही है और इसीलिए आपको खड़ा होना पड़ेगा, नहीं तो आप दबते चले जाएंगे। तो ये आज मेरा एक आपके सामने विचार रखने का मकसद यही है कि जागरूक होने की ज़रूरत है हमें, और इसीलिए अगर आपको कुछ अपने विचार मुझे बताने हैं तो मेरे कमेंट सेक्शन ज़रूर बताएं, या फिर ट्विटर और फेसबुक के माध्यम से आप डायरेक्टली मेरे से इंटरेक्ट भी कर सकते हैं। और अभी के लिए इतना ही, अगली बार फिर से आपके सामने एक नई टॉपिक के साथ फिर से हाजिर होऊंगा, तब तक के लिए नमस्कार।
जय हिंद।